शत शत नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, शरद जी के शहर में, हमारे अपने प्रदेश में। और इतनी खूबसूरती से ये जो कार्यक्रम आपने तैयार किया है, इसके लिए वामा के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उम्मीद है ये कार्यक्रम इसी तरह प्रतिवर्ष हो और हम लोग इसी तरह मिलते रहें एक दूसरे से। विचारों के आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, और खासकर हमारी राइटिंग और राइटर्स की जो कॉम है उसके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बढ़ते जा रहे हैं, जिसको भी टाइप करना आता है और वो थोड़े बहुत शेर कहीं से लिख लेता है, वो अपने आप को आजकल लेखक कवि समझने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि अच्छे लेखक हमारे साथ आएं, अच्छी कवितियां हमारे साथ आएं, कुछ अच्छी कहानियां, कुछ लघु कथाएं हम सुने, आपस में मिलें, अपने विचार साझा करें। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने महिलाओं के लिए जो तैयार कर लिया है, ये मुझे लगता है भविष्य में इससे बहुत बहुत लाभ होगा। इसमें बहुत सारी बातें उठेंगी, और कल भी उषा किरण खान जी ने कुछ बातें ऐसी कही कि मुझे लगता है कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। और आज भी लगता है कि अशला जी से और अरोड़ा जी से हम बात करेंगे, और उनसे बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलेंगी, तो ज्ञानवर्धन होगा, बहुत सारे यादें और बहुत सारी स्मृतियाँ लेकर हम यहाँ से अपने अपने शहरों को लौटेंगे। तो मैं ऐसा विषय जो मुझे दिया गया है, लेखक और लेखक की पुत्री होना, विश्व में अगर आप विश्व साहित्य को भी देखें तो ऐसे बहुत कम उदाहरण आपको मिलेंगे। ऐतिहासिक हैं या दूसरे विषय हैं, उसके साथ अगर किसी उनकी पुत्री ने साथ में काम करना शुरू कर दिया तो वो उन चीज़ों को सहज ही समेट के आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन व्यंग ऐसी विधा है, लेखन ऐसी विधा है, वो उनकी अपनी यात्रा है, उनका अपना जीवन है, और वो सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, उसके लिए कई जन्म ले के एक व्यक्ति व्यंग ऋषि श्री शरद जोशी कहलाता है। और मैं इस जन्म का तो नहीं जानती, लेकिन पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम अवश्य किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल मुझे ये मिला कि मैं उनकी पुत्री होकर पैदा हुई। लेकिन ये कह देना कि चूंकि मैं उनकी पुत्री हूं, इसलिए सहज सरल रूप से मेरी लेखनी में भी वो बात आ जाएगी और मैं भी वही व्यंग लिखने लग जाऊंगी और वही धार और वही समझ मुझ में, तो मैं एक अलहदा इंसान हूँ, मेरी अपना एक व्यक्तित्व है, मेरी अपनी एक पहचान है और मेरी अपनी एक जिंदगी है। तो पिता की कलम से पुत्री को या पुत्र को ये अनुवांशिक कहना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। बहुत सारे इस देश में उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं कि भाई चूंकि पिता उस फील्ड में है तो बेटे भी आ गए और दूसरे भी आ गए, और हमारे यहाँ तो हम लोग जिंदा इसी पे हैं, पूरा देश देख ही रहा है कि परिवारवाद जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग कृपया मुझे इससे दूर रखिएगा, क्योंकि मैं जो भी अपनी बनी हूँ, शरद जी 5 सितंबर 1991 को हमें छोड़ गए और अपनी कोशिशों से टेलीविजन थिएटर करती चली गई, और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो ये है कि क्रियाएं होती हैं। अगर बहुत अच्छे सिंगर हैं या गायक हैं घर में, तो घर में सुनते हैं बच्चे लगातार, 2 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से उन बातों को सुनते हैं वो, और नृत्य है अगर नृत्यांगना है तो वो सारे सहज भाव से चलते चले जाते हैं। लेकिन लेखन, शरद जी बैठ के रोज लिख रहे हैं, मैं छोटी सी लड़की हूँ, उनके आसपास खेलती हूँ, बात करती हूँ, तो उससे अधिक मुझे मेरी माँ इरफाना शरद, जो कि मध्य प्रदेश की मशहूर बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट रही हैं, रेडियो की ग्रेट आर्टिस्ट रही हैं, काफ़ी समय तक वो लिखती रहीं ज्ञानोदय वगैरह के लिए, तो उनसे मैं अधिक प्रभावित रही।
और यही कारण है कि उन्हें मंच पर देखकर मैंने मंच पे नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने इप्टा में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, वहाँ से मुझे काफ़ी सारी सीरियल्स मिल गई अपने आप और मेरा काम शुरू हो गया। कई वर्षों तक काम करती चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने इतने वर्षों का सहजा हुआ था मेरे अंदर, जो मैंने समेटा हुआ था शरद जी की वजह से, जो पत्रकार कलाकार लेखक हमारे घर आते थे और एक माहौल जो बना रहता था, मेरे ख्याल से दिन में 20-25 लोग हमारे घर जमा रहते थे और साहित्य की चर्चा होती थी, उसमें अलग अलग विषयों की चर्चा होती थी, तो वो जो मेरे अंदर था वो कहीं ना कहीं उसने जन्म लेना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन लिखने में कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने शुरू में अपनी पहली कविता लिखी तो वो कुछ इस तरह से थी कि वनों की रक्षा के लिए कुछ नए विभाग बनाए गए और उन विभागों के लिए वनों से कुछ कुर्सियां काटी गई, के लिए इस तरह से कुछ मैंने लिखा। लेकिन माफी चाहती हूँ, वो शरद जी की ही कुछ पंक्तियां थी जिनको मैंने घुमा फिरा के अपनी भाषा में लिख दिया था। और फिर मैंने धीरे 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 अपने आप को समझना शुरू किया, ये मेरा सौभाग्य रहा कि शरद जी के अलावा भी शरद जी लगातार बहुत अच्छे साहित्यकारों की पुस्तकें हमें पढ़ाते रहे, अन्य साहित्यकारों से हमारा परिचय करवाते रहे। अमृत लाल नागर जी की हर एक पुस्तक शरद जी ने हमें पढ़वाई है और हमारे यहाँ बिल्कुल सामूहिक पाठ हुआ करता था उनके उपन्यासों का। तो उसने मुझे कम से कम इतनी समझ दे दी थी कि लेखन आपका अपना होना चाहिए, यह आपकी अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यहाँ से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, कहीं से कोई विषय ले लिया और उसको लिख दिया तो ठीक है, वो छप जाएगा आपको और आपका जो महीने का काम है वो हो जाएगा, लेकिन वो लेखन नहीं कहलाता है इस बात की आप गांठ बांध लें। उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो लंबा भी नहीं चलता है, ना वो शाश्वत होता है, वो एक बेमानी किस्म की अपने आप को और अपने आसपास जो परिवार वाले हैं उनको मूर्ख बनाने की कवायद से अधिक कुछ भी नहीं है। लेखन वो होता है जो सहज सरल आपके अपने अनुभवों से, और अगर आपके अंदर कोई पीड़ा है या आप कोई संवाद लोगों से करना चाहते हैं, जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचते और आप लिखना नहीं शुरू करते तब तक आप लेखक नहीं हैं, ये मेरा अपना मानना है। मैंने व्यंग भी लिखना शुरू किया और कुछ मेरे व्यंग पसंद भी किए। मैं मंचों पे पढ़ती हूँ, देश विदेशों में कविताएं अपनी पढ़ती हूँ, शरद जी के लेख पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने देखा महिला व्यंगकार नहीं है इस देश में, और है तो बहुत कम है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था तो मैंने इस पे मनन किया और मुझे ये बात समझ में आई कि हम महिलाएं तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, हम अपने निर्णय भी जब खुद नहीं लिख सकती हैं, ले सकती हैं जीवन में, तो हम व्यंग कैसे लिखेंगे। व्यंग लिखने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आप अपने मानसिक रूप से सक्षम हो। अगर आप अपने घर परिवार के निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं हैं, तो आप व्यंग कैसे लिख सकती हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि महिलाएं व्यंगकार नहीं है, और जिस दिन देश में बहुत अच्छी व्यंगकार महिलाएं आ जाएंगी आप समझ लीजिएगा कि ये देश सक्षम हो गया। मेरी एक कविता है, एक प्रोसेस जैसे कह सकते हैं, 1991 से शरद जी के जाने के बाद लिखी कविताएं लेख लिखे, सब समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं से शरद जी का रूप ही है जो मैं दूसरे ढंग से लिख रही हूँ। तो एक बहुत बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत हुई उन शब्दों को हटाने में, उस परिपेक्ष को हटाने में और अपने ढंग से लिखने के लिए। तो एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ ये ठीक है कि ये हवा है जो बहती है, हाँ हाँ ये ठीक है कि ये हवा है जो बहती है,
बिना कोई नादा किए हुए। सूरज भी सुबह आता है और शाम ढले घर को लौट जाता है। खुला आसमां है, हरा भरा जहां भी है, खुला आसमां है, हरा भरा जहां भी है, फिर भी तू मेरे बैंक का कर्ज माफ करा दे। फिर भी तू मेरे बैंक का कर्ज माफ करा दे, मेरे लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दे, अपने हाथों से जो गुत्थियां उलझाई हैं मैंने इन्हें सुलझा दे, तो फिर मैं मानूं कि हाँ तू है, तेरा भी वजूद है। अब ये कहने के लिए चार पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें मेरी माँ इरफाना शरद से सीखी हुई भाषा है। उन्होंने मुझे जो शेर व शायरियाँ और जो दूसरी किताबें दी थीं, जो मैंने बचपन में पढ़ी थीं, उसका जो सारा भाव था, जो मैं उर्दू के नाटक देखती थी, वो सारी बातें इसके अंदर हैं। इसके अंदर शरद जी का व्यंग भी है, इसके अंदर मेरा अपना अनुभव भी है। तो एक चार पंक्तियाँ कितनी लंबी यात्रा करवाती हैं एक लेखक को, एक कवि को, एक कवित्री को, आप इसका एहसास कर सकते हैं। तो ये जो विषय है ये एक बड़ा कठिन विषय है, और ऐसा विषय ऐसे सहज रूप से दे दिया कि आप, लेकिन मेरे ख्याल से मंच पे जो हम दो बैठी हैं उसके अलावा अगर आप हिंदुस्तान में भी गिने तो उंगलियों पे शायद कोई नाम आप गिन सकते हैं जिनके बारे में आप ये सहज सरल रूप से कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अन्य विधाओं में चूंकि वो क्रियाएं होती हैं और उनकी आदत हमें होती है, तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि जो पिता ने किया वही पुत्र कर लेता है या परिवार के दूसरे, लेकिन लेखन बहुत अलग, उसकी एक मिट्टी बहुत अलग है, उसकी शुरुआत बहुत अलग है। मैं कई बार जो अपनी माँ से कहा करती थी वो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि शरद जी के जाने के बाद उनका बहुत सारा काम अधूरा था। तो हमने शरद संध्या नाम से शरद जी का प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम हम करते हैं, उसमें शरद जी की रचनाएं पढ़ी जाती हैं, और इसके अलावा उनकी पुस्तकें प्रतिवर्ष हम लोगों ने प्रकाशित की। शरद जी की 23 किताबें आ चुकी हैं, 4,500 से अधिक लेख उन्होंने लिखे, तो उन सबको जाके समेटना सहज काम नहीं था, वो सारी एक लंबी कठिन यात्रा रही है हमारे साथ। तो मैं मम्मी को कहा करती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी बेटी हूँ कि मुनीम हूँ क्योंकि मैं जो रही हूँ एक सेक्रेटरी की तरह भी शरद जी की रही हूँ, और आज तक आज इतने वर्ष हो गए, मेरा दिन में 2 घंटे का आज भी काम शरद जी का है। आज जैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ हूँ शरद जी की बात करने के लिए, मैं 2 दिन पहले भोपाल में एक कार्यक्रम में थी और वहाँ उन्होंने शरद जी की कहानियाँ हमें दिखाई, फिर प्रश्न उत्तर हुए, शरद जी के बारे में बात हुई, चर्चा हुई। तो ये तो लगातार कार्यक्रम शरद जी के जाने के महीने भर बाद से शुरू हो गए, तो बेटी के रूप में वो निर्वाह मैंने पूरे किए। लेकिन जहाँ कलम की बात आ जाती है कि कितना उनसे मैंने सीखा, तो मुझे लगता है उस समय भी शरद जी के साथ जो लेखक मित्र थे, अभी मैं देख रही हूँ सरोज कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु जोशी जी भी यहाँ बैठे हैं, ब्रजेश कानूनग जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने शरद जी को जितना पढ़ा है, जाना है, समझा है, उन लोगों के साथ के रहे हैं सारे मित्र। और मेरे ख्याल से सिर्फ शरद जी का नाम सुनने के लिए ही इस ऑडिटोरियम में आप बैठे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसकी कि आप समय निकाल के आए हैं यहाँ पर। तो इनकी जो समझ है और उस समय जो शरद जी के आसपास एक पूरा समूह था लोगों का जिनकी फितरत बहुत सही थी, आज सुविधाएं बहुत हैं मीडिया को लेकिन फितरत तो नहीं है। राजेंद्र माथुर साहब की जो समझ थी, जो योग्यता थी और उनके जो इंटेंशंस थे वो बहुत क्लियर थे। उनके साथ के जितने भी पत्रकार थे, लेखक थे, भारती जी थे, दूसरे लेखक थे, उनके बहुत ही जीवन को लेकर उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे। तो आपका लेखन तभी मेरे ख्याल से फलीभूत होता है जब आप निर्णय ले लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। अब महिलाओं के साथ यही दिक्कत होती है कि हम पहले परिवार, दूसरी बातें, और लेखनी में वो एक प्लस पॉइंट भी होता है, जैसे सूर्यवाला जी हमारी लिखती हैं,
सूर्य बाला जी जब अपने कृतित्व की बात करती हैं या अपनी लेखनी की बात करती हैं तो उसमें परिवार बड़े सहज ढंग से आ जाता है, उनकी शब्दावली बड़ी जो मारक है और वो बड़े अच्छे ढंग से सारी बात कह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ये हम एक ऐसा डिवीजन जैसा तो नहीं कर रहे हैं कि महिलाएं जो है वो परिवार और इस तरह की लिखेंगी और जो पुरुष है वो देश की बातें करेंगे। तो कहीं हम इस बंधन में ना बंध जाएं, महिलाओं को ये बात देखना सोचना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास कहने के लिए, जुड़ने के लिए और बहुत से संवाद हैं और बहुत से किस्से हैं इंदौर में। अभी शरद जी को जनवरी में हमने शरद जोशी सम्मान विश्व पुस्तक मेले में किया, तो वहाँ वेद प्रताप वैदिक जी आए थे तो वो किस्से सुना रहे थे कि इंदौर के दिनों में शरद जी, राजेंद्र माथुर, वेद प्रताप वैदिक जी तो सभी गलियों में साइकिल में घूमा करते थे और वहीं देश की जो सारी समस्याएं हैं उस पर चर्चा भी हो जाया करती थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और शरद जी आज भी प्रासंगिक है, नवभारत टाइम्स में आज भी हर मंगलवार उनका लेख आता है, जो कि मेरे ख्याल से विश्व के किसी लेखक के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी लेखक के गुजर जाने के बाद पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते हैं, किसी वार्षिक संग्रह में उनके लेख छपते हैं, लेकिन शरद जी एकमात्र ऐसे देश के लेखक हैं जो आज भी अखबार जिसको आज की खबर चाहिए वो शरद जी को लगातार छापता है, चाहे वो लोकमत समाचार हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो। तो वो अपने आप में शरद जी का जो नाम है, शरद जी ने जो काम किया है वो अपनी जगह पे रहेगा। कलम की विरासत बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना मैं अपनी संतुष्टि से कह सकती हूँ कि पुत्री होने के नाते मेरी ओर से जो भी हो सकता है वो धर्म मैंने निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.